नमस्कार दोस्तों, अरा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हेल्दी नाश्ता, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आटे का हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है, जिसे मैंने छलनी से छान लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। 1/2 कप बेसन लिया है, इसे मैंने छान कर तैयार कर लिया है। 1/2 कप ऑयल लिया है, 1 गिलास पानी लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 चुटकी हींग ली है। 1 चम्मच नमक लिया है या स्वाद अनुसार। 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिया है भुना हुआ। सबसे पहले हम आटे का घोल तैयार करेंगे। इसमें हम बेसन मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेसन और आटे को। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम और डालेंगे। इसे इस तरह मिक्स करना है ताकि इसमें गुठली ना पड़े, इसे लगातार चलाते रहें। इसको हमें लगातार इसे चलाते रहना है ताकि इसमें गुठली ना पड़े। ये देखिए, अब इसमें हम पानी और डालेंगे। ये देखिए, हमें लगातार इसको चलाते रहना है। आटे का घोल हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। प्याज मिक्स कर देंगे, हरी मिर्च, हींग डाल देंगे, भुना हुआ जीरा डाल देंगे और ये नमक। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये देखिए, अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गई है। ये देखिए, घोल हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। ऑन करेंगे, इसको गर्म होने देते हैं तवे को। इस पे हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इस तरह इसको घुमा देंगे ताकि पूरा तवे को हम चिकना कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इस पे हम 1 चम्मच इस तरह छोड़ेंगे, इसको इस तरह फैलाते जाएंगे साथ ही साथ में। इसको ऐसे ऐसे गोल गोल करके हमें चलाते रहना। ये देखिए, अब इसको हम सिकने देते। इस तरह हमारा ये देखिए सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे पलटना शुरू करेंगे। इस तरह ये देखिए, इस तरफ भी हमारा सिक्के तैयार है। और इसका हम चाहें तो रोल भी बना सकते हैं। इस तरह देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें कट लगा देंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इस तरह आटे का हेल्दी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। ये देखिए, नाश्ता हमारा गरम गरम तैयार हो चुका है। आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा।
ये आप खट्टी चटनी या इमली की चटनी या सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा हमारे आटे का हेल्दी नाश्ता कैसा बनाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।